हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एडिटिंग। जैसा कि आप लोगों ने सैम्पल वीडियो में देखा, उस तरह की वीडियो एडिटिंग आप लोगों को हम आज सिखाने वाले हैं। तो वीडियो बनाने के लिए हम आ गए पिक्सल लैब में। आज की एडिटिंग पिक्सल लैब में हम बनाएंगे और आप लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि अलाइट मोशन में इस तरह का स्टेटस बनाना बहुत मुश्किल था। तो एक न्यू ऐप है, वो भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे पिक्सल लैब, और उस न्यू ऐप की मदद से हम बनाएंगे आज की हमारी वीडियो। जैसा आप लोगों ने सैम्पल वीडियो में देखा, तो हम इस वक्त मौजूद अपने पिक्सल लैब में। तो पिक्सल ऐप को हमने किया हुआ है ओपन। तो पिक्सल लैब में अब हमने आपको ब्लैक स्क्रीन वाला स्टेटस बनाने का तरीका बताना है, जो आप लोगों ने सैम्पल वीडियो में देखा। तो टेक्स्ट पर टैप करेंगे, डबल टैप, और यहाँ हम पहले अपना लिरिक्स लिख लेंगे, जो है आँख उठी न्यू सॉन्ग आया है, तो ओके करेंगे। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग वाला बटन नीचे आया हुआ था, और ओके करेंगे अब हम अपनी इस टेक्स्ट को। और उसके बाद अब हमने इसको देना है फॉन्ट, तो डबल ए पर टैप करेंगे, आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं इस तरह से, और डबल ए पर आ जाएंगे, और इसको हम राइट साइड पर स्क्रॉल करेंगे और ए बी फॉन्ट में आ जाएंगे। हम आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं इस तरह से, ए बी फॉन्ट पर टैप करेंगे और हम आ जाएंगे अपने फॉन्ट में, माई फॉन्ट पर टैप करेंगे, जो भी हमने फॉन्ट ऐड किए हैं वो सब यहाँ पर शो होंगे। तो हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और लेमन मिल्क मीडियम ढूंढ लेते हैं। लेमन मिल्क मीडियम नीचे है, तो हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं, ये वाला हमारा फॉन्ट है लेमन मिल्क मीडियम। तो कोई भी फॉन्ट वगैरह आप लोगों ने लेना हो तो डाव फॉन्ट है, वेबसाइट है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को पिक्सल ऐप या लाइट मोशन काइंड मास्टर में फॉन्ट्स ऐड करना नहीं आते, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने तफसील से बताया है कि लाइट मोशन, पिक्सल ऐप और काइंड मास्टर में जो फॉन्ट्स हम ऐड करें वो किस तरह से ऐड करें, कहाँ से लें, और टोटल उसकी तफसील उसमें मौजूद है। तो ये भी मैंने ऐड कर लिया था, तो इसको ओके करते हैं। इस तरह से हमारा आ गया फॉन्ट का जो स्टाइल है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद हमने जो इसकी ग्रीन स्क्रीन है उसको कर लेना है ब्लैक। नीचे डबल टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, हाईलाइट करके आपको दिखा दिया। अब यहाँ हम कलर्स पर टैप करेंगे और दोबारा कलर पर टैप करेंगे, ग्रेडियंट सेलेक्ट हुआ है, तो यहाँ से इसका कलर हम ब्लैक कर लेंगे, क्योंकि हमने ब्लैक स्क्रीन पर बनानी है। तो उसके लिए हमने टेक्स्ट को ही ओके करके रखना था, तो ही हम नीचे वाले टेम्पलेट का टेम्पलेट से ब्लैक कर सकते थे सकते। तो उसके बाद अब हम आपको बताते हैं, आगे आपने प्लस पर टैप करना है और टेक्स्ट में आ जाना है, न्यू टेक्स्ट लिखनी है, तो इसमें आपने एफ लिखना है, कैपिटल एफ। ये देखें न्यू टेक्स्ट आ गई है, इसको हम एडिट कर लेते हैं। इसमें हम कैपिटल एफ लिख लेते हैं लीफ वाला फॉन्ट देने के लिए, तो इसका साइज़ हम इंक्रीज कर लेते हैं, इसका साइज़ बहुत छोटा है, तो हम लेफ्ट साइड पर स्क्रॉल करते हैं, ए में आएंगे पहले और फिर लेफ्ट साइड पर स्क्रॉल करेंगे, लेफ्ट या राइट साइड पर, राइट साइड पर स्क्रॉल करना था, राइट साइड पर इसको स्क्रॉल करेंगे और इसका साइज़ हम इंक्रीज कर लेंगे यहाँ से डबल टी से, और इसका साइज़ हम इस तरह से बड़ा कर लेंगे ताकि हमें एडिट करने में आसानी हो, क्योंकि जब हम इसको लीफ वाला फॉन्ट देंगे तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको पहले ही बड़ा कर लिया। अब राइट साइड पर फिर से स्क्रॉल करेंगे, ए बी फॉन्ट पर टैप करेंगे और दोबारा से आ जाएंगे अपने फॉन्ट में, माई फॉन्ट पर टैप करेंगे, और यहाँ हमारा जो फॉन्ट है लीफ फॉन्ट वो सबसे ऊपर है। तो सेम वही प्रोसेस है कि वहाँ से वेबसाइट से आप लोग लेंगे, वहाँ आप लोगों ने जस्ट लिख कर सर्च करना है नाम, जो भी फॉन्ट का नाम हो आप लोग वो लिख कर सर्च करेंगे तो फॉन्ट आ जाएगा, आप लोग उसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो हमने अपना फॉन्ट ओके कर लिया है, तो इस तरह से ये हमारा लीफ आ गया। देखें डबल एफ, डबल नहीं कैपिटल एफ हमने लिखा, और फॉन्ट की मदद से इस तरह से एफ जो था हमारा वो कन्वर्ट हो गया है इसमें। अब हमने इसको करना रोटेट, रोटेट वाले बटन पर टैप करेंगे, और अगर आप लोगों को नहीं करना था ऊपर वाली जो टेक्स्ट की रोटेशन है वहाँ से, तो आप लोग नीचे से रोटेट कर सकते हैं, हमें एडवांस ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इसको टैप कर सकते हैं क्लॉक वाइज भी और एंटी क्लॉक वाइज भी। तो हम इसको बैक करके इस तरह से कर लेते हैं क्लॉक वाइज रोटेट, और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं कि हमने इसका कितना रखना है साइज़ रोटेशन का, ओके करेंगे, इतना ही साइज सही है। तो अब उसके बाद हम लेफ्ट साइड पर इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से इसकी पोजीशन का एडजस्ट कर लेंगे, पोजीशन पर टैप करेंगे, और यहाँ से हम इसका साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं, साइज़ इसका इंक्रीज करेंगे, और ये बटन्स हैं लेफ्ट साइड का, राइट साइड का मूव करने के लिए, अपर और लोअर। तो हम इसको लेफ्ट साइड वाले बटन से कर लेंगे
थोड़ा सा साइड पे एडजस्ट करने के लिए। अब इसको नीचे वाले बटन से नीचे ले आएंगे, यहाँ एक ऊपर एक कॉर्नर पर हमने इसको रख लिया, और अब इसको रोटेट में जावर थोड़ा सा और रोटेट करके इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, जो कि बिल्कुल अपनी परफेक्ट लोकेशन में आ जाए। तो हमने वो कर लिया, मतलब उसको एडजस्ट कर लिया। अब दोबारा से हमने जाना है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड बदल के। ओहो, ये तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। दोबारा से हम इसको ओके करते हैं और आ जाते हैं हम साइज में इसके। दोबारा से इसका साइज, हम अब इसका साइज करेंगे छोटा, क्योंकि जो हमारी लिरिक्स है वो छोटा है और लीफ का साइज बड़ा था। दोबारा से पोजीशन में जाएंगे, और पोजीशन में जाकर फिर सेम वही प्रोसेस कि इसको हम एडजस्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर, जिस तरह से भी हमें इसको मैनेज करना होगा। तो हम इस तरह से इसको एक ही जो नुकर है उसके ऊपर रख लेते हैं, ऊपर टॉप पर एडजस्ट कर लिया हमने। अब इसको दोबारा से हम राइट साइड पर स्क्रॉल करेंगे और कलर्स में आ जाएंगे, और यहाँ से ये इसके कलर्स हैं, इनमें से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें अच्छा लगे। लीफ का कलर हम चेंज कर देंगे, वाइट है तो हम इसका कलर ये वाला रख लेते हैं। और उसके बाद अब हमने इसको करना है कॉपी, डुप्लीकेट इसका करेंगे, या इसका कलर हम यहाँ से पहले चेंज कर लेंगे, कोई और कलर रख लेते हैं। तो हमने वही कलर रखा है आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से करना है। दोबारा से हम आ जाएंगे, तो हमने लेफ्ट साइड पर जाना है, सॉरी हमने आपको इस तरह से लेफ्ट साइड पर हमने जाना है, लेफ्ट साइड पर जाएंगे और इसको कर लेंगे कॉपी। स्टार्ट में कॉपी का ऑप्शन है, इस तरह से यहाँ कॉपी वाले बटन पर टैप करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे। तो देखें दोस्तों, हमारी कॉपी आ गई है इसकी बनकर। तो सेम वैसा ही कलर भी उसका वही है, और फॉन्ट वगैरह भी हमें नया कुछ नहीं करना पड़ा, सब उसको कॉपी किया हमने। तो इस तरह से अब हमने इसको एडजस्ट करना है, इसको हमने एडजस्ट करना है आई के नीचे वाले कॉर्नर में। ए के टॉप पे उसको किया था, तो इसको अब आई के नीचे वाले कॉर्नर पर दोबारा पोजिशन पर टैप करेंगे और इसको। तो हमने अब इसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है, इसको हमने अब नीचे ले आना है आई के नीचे वाले कॉर्नर में, क्योंकि जो हमने फर्स्ट लीफ लगाया है वो ए के ऊपर वाले कॉर्नर में है। अब ये वाला हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे, इधर हमने इसको रख दिया। अब इसको रोटेट करेंगे, रोटेशन वाले ऑप्शन में जाकर इस तरह से इसको कितना रोटेट कर लेंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे कि कितनी हमें इसकी रोटेशन रखनी है। ओके करेंगे, और अब दोबारा से हम आ जाएंगे पोजीशन में और इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ इसको इसके कॉर्नर में सही से फिट कर लेंगे, जहाँ ये बिल्कुल सही एडजस्ट हो जाए। ओके हो गया। अब हमने इमोजी ऐड करने हैं, तो दोबारा से हम आ जाएंगे, प्लस पर टैप करेंगे दोबारा से, और प्लस पर टैप करने के बाद टेक्स्ट पर टैप करेंगे दोबारा से, और टेक्स्ट पर टैप करने के बाद न्यू टेक्स्ट आ गया। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और डबल टैप करेंगे इसके ऊपर, इसको इस पॉइंट से हमने बढ़ाया पकड़ के, और यहाँ से इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ अब हम अपने इमोजी लगा लेते हैं कीबोर्ड में से, जो हमें अपने लिरिक्स के हिसाब से सही लगेगा। तो हम यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे देख लेते हैं कौन सा इमोजी हमने लगाना है। तो हम यहाँ से ये आईज वाला, और एक हम लगा लेते हैं यहाँ से दिल वाला इमोजी, हार्ट इमोजी लगाते हैं, और इसको यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेते हैं ये इस तरह से। जो हार्ट की नीचे वाली नुक्कड़ है वो बार बार टेक्स्ट के ऊपर आ रही है, तो इसको हम एडजस्ट करते हैं सही से, क्योंकि जितनी अच्छा अच्छे तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे उतनी अच्छी हमारी वीडियो बनेगी। दोबारा अब हम राइट साइड पर स्क्रॉल करेंगे और फॉन्ट्स में आ जाएंगे, भी फॉन्ट पर टैप करेंगे आगे हम अपने फॉन्ट्स में, हमारे फॉन्ट्स पर टैप करके हमने जो अपने फॉन्ट्स ऐड किए हुए हैं वो हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करके ढूंढ लेते हैं कि आईफोन इमोजी वाला फॉन्ट कहाँ है। अदा फॉन्ट वेबसाइट से आप लोग जाकर कोई भी अपना ले सकते हैं फॉन्ट, जिसका आप लोगों को नाम पता हो आप वहाँ से आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर फिर भी समझना है तो आप लोग मेरी जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई हैं वो तफसील से इसी उस पर बनाई है कि फॉन्ट्स वगैरह कहाँ से ले, तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये आईफोन इमोजी फॉन्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से देखें, और हमारे जो टेक्स्ट है इसका स्टाइल चेंज हो गया, टेक्स्ट का सॉरी इमोजी का कहना था, इमोजी का स्टाइल चेंज हो गया। तो हम इसको सही से एडजस्ट कर लेते हैं ये बार बार, अब बस इतना सही है हो गया। अब हमने इसको करना है एक्सपोर्ट, तो हम ये ऊपर एक्सपोर्ट बटन पर टैप करेंगे यहाँ, और सेव एज इमेज कर लेंगे, सेव एज इमेज पर टैप करेंगे। और अब ये नीचे जेपीजी नो ट्रांसपेरेंसी, और नीचे अब है डिफॉल्ट, ये जो साथ वाला बटन है हम इसको टैप करेंगे,
डिफॉल्ट पर, और ये देखें हमारा सिलेक्ट हुआ होगा कस्टम, तो हमने इस बटन पर टैप करना है और इस तरह से ये हमारे सामने पॉपअप होगा, इसमें हमने डिफॉल्ट को सिलेक्ट करना है और सेव टू गैलरी करना है। इस यहाँ टैप करके इस तरह से हमारी जो इमेज है वो सेव हो गई है। अब हम अपनी दूसरी ऐप की तरफ चलते हैं, ऐप को ओपन करते हैं, ऐप में जाकर फिर आप लोगों को बताते हैं कि हमने किस तरह से इन सबको ऐड करना है। बाकी की लिरिक्स वाली लाइन हमने पहले ही बना ली थी। तो आ गए हैं हम अपने कैप कट, इस ऐप का नाम है, आप लोग इसको क्रोम में जाकर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। कैप कट प्रो APK मोड, इस तरह से लिखकर आप इसका लेटेस्ट वर्जन फ्री में प्रीमियम फीचर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे और फर्स्ट टाइम जब आप इसमें लॉग इन करेंगे, लॉग इन मतलब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आपसे परमिशन वगैरह जो भी मांगेगी आपने इसको अलाउ कर देना। और ये हमारी गैलरी ओपन हो गई है। तो हमने इसमें ये हमारी वीडियो शो करवा रहा है, हमने इसमें पिक्स ऐड करनी है। तो हम ये नहीं, हमने फोटोज में आ जाना, फोटोज पर टैप करेंगे और ये वो हमारी पिक्स हैं जो हमने पहले से ही बना ली थी। तो आप लोगों को हमने एक ही बनानी सिखाई है, बाकी हमने पहले से ही बना ली थी, क्योंकि अगर हम आपको सारी बनाना सिखा दें तो आप लोग वीडियो को फुल ना देखते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग बीच में से ही छोड़ कर चले जाते हैं। हम आपको 4-5 तस्वीरें ऐड करके बता देते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है इस ऐप को और किस तरह से इसमें वो न्यू स्टाइल वाला बनाना है स्टेटस। ठीक हो गया, तो हमने इनको कर लिया ऐड। तो अब हमने ऑडियो इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम नीचे ही बटन है ऐड ऑडियो का, तो हम कर लेते हैं। यहाँ देखें हाईलाइट कर दिया, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ नीचे ऑप्शन शो हो रहे हैं एक्सट्रैक्टेड और इफेक्ट्स और साउंड, देखें ये साउंड का है। तो अगर हमारा सॉन्ग ऑडियो में है तो हम साउंड पर टैप करके अपने हमारी ऑडियो गैलरी ओपन हो जाएगी देखिए, तो हम वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जो हमने लेना है सॉन्ग वो है वीडियो में, तो हम एक्सट्रैक्टेड पर टैप करेंगे और यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं पॉपअप को, और ये फर्स्ट जो वीडियो है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इम्पोर्ट साउंड ओनली पर टैप करेंगे, तो हमारा जस्ट जो सॉन्ग है वो ऐड हो जाएगा, वीडियो नहीं आएगी। तो ये हमें बता रहा है इस तरह से कि किस तरह इसमें वीडियो बनानी है, तो ये हमें गाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कहाँ तक आता है हमारा सॉन्ग। तो यहाँ तक हमारा सॉन्ग है, इतना ही हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो हम इसको सॉन्ग को हमने टैप किया हुआ है और इसको डिलीट कर लेंगे और बाकी का हम यहाँ से कट कर देंगे। इस जगह नीचे डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये देखें ये हाईलाइट कर दिया, ये डिलीट हो गया। तो अब उसके बाद ये इसका लास्ट में जो लोगो शो है इसको भी कट कर देंगे। ये बाकी हमारी पिक्स रह गई हैं, तो अब हमने इन पिक्स को देनी है एनिमेशन जिससे हमारे न्यू स्टाइल वाला स्टेटस बनेगा। तो उसके लिए हमें डाटा ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि एनिमेशन डाउनलोड करने के लिए हमें डाटा ऑन करना हमारा ज़रूरी है। तो हम यहाँ से डाटा ऑन कर लेते हैं मोबाइल का, और उसके बाद अब हम पिक को सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पिक को इस पर टैप करेंगे, जस्ट सिंगल टैप करेंगे और ये हमारी पिक सेलेक्ट हो गई। अब नीचे देखें एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से एनिमेशन पर टैप करेंगे। इस तरह से एनिमेशन पर हमने टैप किया, अब ये एनिमेशन लोड हो रही है और ये नीचे कॉम्बो का ऑप्शन है, तो हमने कॉम्बो एनिमेशन देनी है, तो कॉम्बो पर टैप करेंगे और इस तरह से हमारी एनिमेशन आ गई हैं। तो इसमें सब एनिमेशन बनी बनाई मिलती हैं, तो हमने इसलिए इसको चूज़ किया क्योंकि लाइट मोशन में बनाना बहुत मुश्किल था और उसमें बहुत टाइम लग जाना था। हम फर्स्ट वाली एनिमेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और ये देख रहे हैं इस तरह से ये हमारी फर्स्ट एनिमेशन इसमें ऐड हो गई है, इस तरह से कुछ जैसे आप लोगों ने सैंपल वीडियो में देखा था। और बैटरी लो हो गई और अब हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम दूसरी को सेलेक्ट कर लेंगे और दोबारा से हम सेम वही प्रोसेस एनिमेशन कॉम्बो, और उसके बाद 3D कार्ड 2 सेलेक्ट कर लेंगे, देखें इस तरह से, और इसको हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद अब हमने तीसरी को सिलेक्ट कर लिया, दोबारा से एनिमेशन में जाकर कॉम्बो पर टैप करेंगे और 3D कार्ड 3 सेलेक्ट कर लेंगे, तीसरा वाला इस तरह से, और अब उसके बाद चौथी को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से सेम वही प्रोसेस और 3D कार्ड 4 सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट, इस तरह से ये हमारी बनी है वीडियो। तो यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए इस बटन पर टैप करेंगे और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो आज का ट्यूटोरियल इतना ही, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।